हेलो फ्रेंड्स, आज हम चना और हरी मूंग की दाल, अंकुरित दाल है, इसके हम चाट बना रहे हैं। फ्रेंड्स, ये चाट सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। बच्चों को हमें सुबह सुबह एक कटोरी ये देनी चाहिए। चने और हरी मूंग की अंकुरित दाल में बहुत प्रोटीन होता है, जो बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है। फ्रेंड्स, हमने जिसमें ज़्यादा मसाले नहीं है, सिर्फ एक प्याज, एक टमाटर, एक छोटा हरी मिर्च हमने छोटा छोटा चॉप किया है। इसमें ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि ये हेल्थ के लिए अच्छी होती है। अब हमने पैन में एक चम्मच के करीब ऑयल डाला है। इसमें ऑयल ज़्यादा नहीं डालना है। अब इसमें थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करेंगे। अब इसमें प्याज ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, हमारी प्याज भुन गई है। अब इसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे। अब इन्हें हल्का सा भून लेंगे। फ्रेंड्स, हमारी प्याज भुन गई है। अब इसमें टमाटर ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, टमाटर को ज़्यादा नहीं करना है। टमाटर हमारी चाट के अंदर इन्हें खट्टापन लाने के लिए, टेस्ट के लिए डाले जाते हैं। अब इसमें सभी मसाले थोड़े थोड़े करके ऐड करेंगे। हल्दी, थोड़ा सा नमक। फ्रेंड्स, मिर्ची थोड़ा ही डालें, क्योंकि इससे ज़्यादा मिर्ची से बच्चे फिर चाट को खाते नहीं हैं। थोड़ा सा मसाला। अब इन्हें अच्छे से पकाएंगे। सभी मसाले हमारे पक गए हैं। अब इसमें हम अंकुरित चने और दाल हैं वो ऐड करेंगे। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन सभी को। हमारे सभी मसाले अच्छे से दाल और चनों में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इन्हें 2 मिनट के लिए ढक के छोड़ेंगे। फ्रेंड्स, हमें इन्हें ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 2 मिनट के लिए रखना है। फ्रेंड्स, हमारे 2 मिनट हो गए हैं और हमारी चाट अच्छे से रेडी हो गई है। अब इसमें हम एक नींबू निचोड़ेंगे। फ्रेंड्स, इसमें हम अच्छे से नींबू निचोड़ेंगे और हमारी हेल्दी चाट बनकर रेडी हो गई है। आप भी अपने बच्चों को ऐसे दे सकते हैं, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। बच्चे बड़े सभी के लिए बहुत अच्छी होती है। सुबह सुबह एक कटोरी दी जाए और बहुत ही टेस्टी भी होती है। बच्चे इसे आराम से इजली खा लेते हैं। हमने चाट को प्लेट में सर्व कर लिया है। फ्रेंड्स, चाट बहुत ही टेस्टी बनी है। आप भी बनाइए और बच्चों को खिलाइए। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।